नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं शरद बाघेला। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला और सबसे पहले चलते हैं इंदौर। कागजों पर दौड़ने वाली मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर आज मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा नींव रखी गई। इस दौरान 5 कैबिनेट मंत्री सहित प्रदेश मीडिया प्रभारी शोभा ओझा मौजूद रही। मध्य प्रदेश के मुखिया कमलनाथ शनिवार को 10:15 पर इंदौर पहुंचे। इंदौर एयरपोर्ट पर 5 कैबिनेट मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद सीधे सुपर कॉरिडोर पहुंचे, जहां उन्होंने मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रदेश के 5 कैबिनेट मंत्री, प्रदेश मीडिया प्रभारी शोभा ओझा, कांग्रेस विधायक शामिल रहे। 11 सीएम ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के CIL लीडरशिप कन्वेंशन 2019 में शामिल हुए। वहीं एक अवार्ड फंक्शन में भी शामिल हुए। बाद में 3:30 भोपाल रवाना हुए। सीएम का आज का इंदौर दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण दौरा है। वो सबसे ज्यादा लोगों की जिज्ञासा है आखिर कब और कैसे चलेगी इंदौर में मेट्रो ट्रेन, जिसका शिलान्यास आज किया गया। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने इंदौर पहुंचे सीएम कमलनाथ ने कहा कि इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाएगा और इंदौर के साथ ही उज्जैन, देवास और पीतमपुर में भी मेट्रो रेल सेवा फैलाई जाएगी। मेट्रो प्रोजेक्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रोजेक्ट का पूरा प्रेजेंटेशन देखा। उन्होंने कहा कि जब मैं मेट्रो के कार्यक्रम में शामिल होने जयपुर गया था, उस समय केंद्र में मंत्री था। वहीं मेरे मन में विचार आया कि मध्य प्रदेश में मेट्रो को लेकर कोई चर्चा ही नहीं है। इसके बाद लौटकर मैंने उस समय भाजपा सरकार में मंत्री रहे बाबूलाल गौर से भोपाल और इंदौर के लिए मेट्रो की DPR बनाने को कहा था। इस पर उन्होंने कहा कि DPR में काफी खर्च आएगा, लेकिन मैंने कहा कि खर्च की चिंता ना करें। इसके बाद DPR बनी, लेकिन अब तक वो कागजों में ही दबी रही। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आने पर मंत्री जयवर्धन सिंह से इस काम को करने को मैंने कहा। उन्होंने कहा कि हमसे पूछा जा रहा है इंदौर में मेट्रो की क्या आवश्यकता है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि इंदौर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमें अब इंदौर और भोपाल के विस्तार के बारे में सोचना होगा, जिससे इन शहरों का भार कम हो सके। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना भी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। आखिर देखना होगा कि सरकार इस काम में कितनी सफल हो पाती है। इंदौर से रिपोर्टर दीपिका अग्रवाल। जंगलों में दंतेवाड़ा पुलिस को एक अहम कामयाबी हाथ लगी है। 2 इनामी नक्सलियों को DRG के जवानों ने मुठभेड़ में मार गया है। पर दंतेवाड़ा पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किरंदुल थाना क्षेत्र के कुप्रेम के जंगलों से 5-5 लाख के 2 नक्सलियों को DRG के जवानों ने मुठभेड़ में मार गया है। मारे गए दोनों नक्सली मालंगिर एरिया में सक्रिय बताए जा रहे हैं। नक्सलियों में LOS मेंबर लच्छू और पोदिया मृत नक्सलियों के नाम पुलिस ने बताए हैं, जो लंबे वक्त से इलाके में सक्रिय थे। दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की हत्या सहित 40 बड़े अपराध, हत्या, लूट, आगजनी जैसे मामलों में दोनों संलिप्त बताए जा रहे थे। दंतेवाड़ा SP अभिषेक पल्लव उपचुनाव के ठीक पहले इस मुठभेड़ को अपनी बड़ी कामयाबी मानकर चल रहे हैं। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों से जिस तरीके से इटली मैट की एक 9mm की पिस्टल बरामद हुई है, उसे देखने से लगता है कि उपचुनाव में नक्सली किसी बड़ी साजिश को रचने की षड्यंत्र थे, जिसे दंतेवाड़ा पुलिस ने पूरी तरीके से फैल कर दिया। एक्सप्रेस रिपोर्टर पंकज सिंह भदौरिया, दंतेवाड़ा। कलेक्टर और SDM के बीच हुआ विवाद आज राजधानी में चर्चा का विषय रहा। होशंगाबाद SDM रवि श्रीवास्तव ने कलेक्टर शीलेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। SDM का आरोप है कि रेत से भरे डंपरों पर कार्रवाई करने पर कलेक्टर ने उन्हें रात में अपने बंगले पर 3 घंटे बंधक बना लिया। इस मामले में होशंगाबाद के प्रभारी मंत्री PC शर्मा का कहना है कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की है। शर्मा का आरोप है कि अभी भी कुछ अधिकारी BJP के संरक्षण में हैं। वहीं इस मुद्दे ने एक बार फिर विपक्ष को मौका दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आरोप है कि प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता चरम पर है। देखने वाली बात यह होगी कि रेत खनन के आरोपों से घिरी सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेती है। भोपाल से स्पेशल रिपोर्टर निर्मल सिंह दास। गणेश विसर्जन के दौरान 11 युवकों की मौत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।
राजधानी में हुए नाव हादसे में 11 युवकों की मौत के बाद मृतकों के घर पर नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। पिपलानी के सो क्वार्टर्स में रहने वाले मृतकों के परिवारों से मिलने एक के बाद एक कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मृतकों के परिवार और जनों से मिलने पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मृतकों के परिवार को दिए जाए 25 लाख रुपए। सरकार ने 11 लाख रुपए की घोषणा तो कर दी है, लेकिन उसमें 14 लाख रुपए मिलाकर पूरे 25 लाख रुपए सरकार को मृतकों के परिवार को देना चाहिए। मृतक परिवार के साथ बीजेपी हर संभव हर मदद के लिए रहेगी तैयार। इस घटना में जो अधिकारी दोषी हो उसे मिलना चाहिए कड़ी से कड़ी सजा। वहीं शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि युवाओं की मौत से प्रदेश को एक बड़ी हानि हुई है। इन गरीब परिवार के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी तैयार खड़ी रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की है कि एक एक परिवार को 25 लाख रुपए दिए जाए, लेकिन कहीं न कहीं बात यही राजनीति की देखने को मिलती है। जिस प्रकार 2016 में भी कांड इस प्रकार की घटना घटी थी, तब शिवराज सिंह चौहान ने उन लोगों तक कोई बात नहीं पहुंचाई, ना शासकीय नौकरी दे पाए, लेकिन आज वही राजनीति फिर यहां पे हावी देखी जा रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगर, दिव्य भोपाल। भोपाल के निजी महाविद्यालय के छात्रों ने निगम प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। छात्रों का कहना है कि BCLL बसों का जो किराया बढ़ाया गया है, उनको उस किराए को वापस लिया जाए और जो किराया था 300 रुपए, वह 300 ही रहने दिया जाए। यानी भोपाल में माता मंदिर के निगम कार्यालय के बाहर सैकड़ों छात्रों ने निगम प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। दरअसल BSLL ने लो फ्लोर बसों का किराया बढ़ा दिया था, जिसको लेकर छात्रों में रोष था। साथ ही राजधानी भोपाल के कलियासोत डैम में स्थित एक्सीलेंस कॉलेज तक BCLL की लो फ्लोर बसों की सुविधा न होने से भी छात्र नाराज थे, जिसको लेकर भोपाल महापौर और निगम के खिलाफ छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। लिहाजा छात्रों के विरोध से प्रभावित होकर भोपाल महापौर आलोक शर्मा छात्रों के बीच पहुंचे और BCLL द्वारा बढ़ाया गया किराया वापस लिया। साथ ही महापौर ने घोषणा की कि जल्द ही भोपाल एक्सीलेंस कॉलेज तक लो फ्लोर बसों की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। निगम प्रशासन ने BCLL बसों का किराया 300 से लेकर 500 रुपए कर दिया है, जिसको लेकर छात्रों ने यहां पर प्रदर्शन किया है। साथ ही चेतावनी दी है छात्रों ने कि यदि निगम प्रशासन हमारी बातें नहीं मानता है तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में 425 करोड़ से ज्यादा के घोटाला के शिकायत कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ ने पूर्व बीजेपी सरकार में की और वर्तमान के कांग्रेस सरकार में की। उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई तो दूर, इसके जांच में भी नहीं लिया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अन्य शासकीय विभागों में भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा किया है। डॉक्टर गुप्ता ने राज्यपाल अनुसुईया यूके के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव को पत्र लिखकर इस संगठित तंत्र पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन शिकायत के कई माह बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। डॉक्टर गुप्ता ने आरोप लगाया है इसके बाद भी जिला चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल कॉलेज एवं अन्य संस्थानों विभागों ने करीब 226 करोड़ रुपए की सामग्री का क्रय वर्ष 2016-17 में बिना निविदा के नियम विरुद्ध किया। यही नहीं, राज्य शासन के कुछ और विभाग जैसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम, CGMSC, पशु चिकित्सा विभाग, आयुष विभाग ने सिर्फ वर्ष 2016-17 में करीब 198 करोड़ रुपए के दवा घोटाले किए। इस प्रकार 2016-17 में 425 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। कांग्रेस के चिकित्सक प्रकोष्ठ के द्वारा बार बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई का न होना कहीं न कहीं प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्या राजपूत। झावा में लगातार हो रही बारिश ने पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ के प्रमुख नदी और नाले उफान पर दिखाई दे रहे हैं। अभी तक यहाँ पे 45 इंच वर्षा दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 इंच अधिक बताई जा रही है। जिले भर में कल से हो रही बारिश ने जनजीवन को खासा प्रभावित कर दिया है। जिले भर से बस्ती और दुकानों के साथ सड़कों पर बहती नदी से दृश्य दिखाई दे रहे हैं। सड़कों और दुकानों को पानी में डुबोती ये तस्वीरें झाबुआ के थानला से आई हैं। कल सुबह से लेकर अभी तक चल रही बारिश से यहाँ की बस्तियों, दुकानों और सड़कों में पानी भर गया है। ये दूसरी तस्वीर झाबुआ के पेटलाव से आई है, जिसमें कई सड़कों पर तालाब की तरह पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। जिले के मेघनगर के भी यही हाल है। इधर झाबुआ के राणापुर में कल देर रात एक बस पानी में फंस गई, जिसका 19 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है।
इस वीडियो में बस बीच नाले में खड़ी है और लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। आसपास के लोगों और युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष भानु भूरिया ने बस में बैठे सभी यात्रियों को सकुशल बचा लिया है। वहीं थानला में लोग खासे परेशान हैं और अपने घरों में घुसे पानी को निकालने में जुटे हैं। लगातार हो रही बारिश ने जहां यहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, यहीं बारिश के पूर्व किए जाने वाले प्रशासन के इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं। मनीष गिरधानी, एक्सप्रेस रिपोर्टर, झाबुआ। छात्राओं पर बढ़ती घटनाओं से असुरक्षा की भावना को देखते हुए पुलिस ने महिला पुलिस जवानों की एक टीम बनाई है। दरअसल 23 महिला जवानों को ट्रेनिंग के लिए राजनांदगांव भेजा गया था। टीम व अभियान का नाम रक्षा टीम रखा गया है। टीम स्कूल कॉलेजों के पास सिविल ड्रेस में घूमकर मजनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब ये महिला जवान अपने जिले के विभिन्न स्कूलों कॉलेजों में जाकर छात्राओं को सुरक्षा सहित आत्मरक्षा के टिप्स दे रही है। महिला पुलिस जवानों ने बताया कि उन्हें गुड टच बैड टच से लेकर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने व बचने के तरीके सिखाए गए हैं। इस पर एएसपी कृष्ण राठौर ने बताया कि छात्राओं युवतियों की रक्षा के लिए महिला जवानों की टीम को ट्रेनिंग दिलाई गई है। इससे छात्राओं को अपराध से बचने की ट्रेनिंग देने के साथ साथ जागरूकता लाने का काम भी किया जा रहा है। कांकेर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुशील सलाम। नगर थाना क्षेत्र में रिटायर एक्साइज के घर डकैती में अब तक पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। इंदौर के तयाजी नगर थाना क्षेत्र में रिटायर एक्साइज पाटले के घर पिछले दो दिन पूर्व डकैती की एक बड़ी वारदात सामने हुई थी, जहां 3 से 4 लाख रुपए के जेवरात और हजारों रुपए नकदी पर बदमाश हाथाप कर गए थे। फिलहाल में पुलिस के पास कुछ सीसीटीवी फुटेज नजर आए, जिनमें कुछ वहां पर आसपास घूमते हुए बदमाश फिलहाल में फुटेज में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब तक पुलिस आरोपियों को पकड़ने में दूर है। जहां तयाजी नगर पुलिस ने जेल से भी एक लिस्ट मांगी है 7-3 नकबजनों की, वहीं अलग अलग उनके ठिकानों पर दबी दी जा रही है। फिलहाल में अब तक देखा जाए तो तयाजी नगर पुलिस आरोपियों को पकड़ने में दूर है। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग राज्यों व शहरों में दबी दी है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से अभी भी शहर में जो गिरफ्त से डकैते हैं वो दूर है। इंदौर से रिपोर्ट। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर पशु चिकित्सक हड़ताल पर चले गए हैं। वेटरनरी कॉलेज के इन स्टूडेंट्स ने पशु चिकित्सालय में जमकर नारेबाजी की और इसके बाद देर तक हंगामा चलता रहा। जबलपुर में वेटरनरी कॉलेज हॉस्पिटल में आज पशु चिकित्सकों ने हड़ताल कर दी। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। पशु चिकित्सकों की मांग है कि राज्य शासन में स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाई जाए, निजी वेटनरी कॉलेज खोले जाने की राज्य सरकार ने जो घोषणा की है उसे तुरंत रद्द किया जाए और इसके साथ ही वेटनरी छात्रों को जो मानदेय दिया जाता है उसे बढ़ाया जाए। इन मांगों को लेकर छात्रों ने पूरे दिन कॉलेज में जमकर उपद्रव मचाया, नारेबाजी की और हंगामा किया। छात्रों की यह हड़ताल सोमवार को भी जारी रहेगी। वेटनरी स्टूडेंट्स और वेटनरी डॉक्टर्स इस समय राज्य सरकार से कई तरह की अपेक्षाएं कर रहे हैं। ऐसे में राज्य शासन को इनकी मांगों की तरफ ध्यान देना ही होगा। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। पत्थलगांव क्षेत्र में आज फिर सर्प दंश से 2 लोगों की मौत हुई है। हालांकि उन्हें इलाज के लिए पत्थलगांव के सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। नागलोक के नाम से मशहूर जसपुर जिले में सर्प दंश से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। बीती रात जिले के इंचको गांव में, जो पत्थलगांव का इलाका पड़ता है, वहां सगे भाई बहन सर्प दंश का शिकार हो गए, जिसमें 3 वर्षीय मासूम अंजलि तथा उसका भाई 16 वर्षीय सोमस चौहान जमीन पर सोए थे। इन्हें बिसले सांप ने काट लिया। गहरी नींद में सो रहे इन बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद इस बात की जानकारी लगी कि इन्हें सांप ने काटा है। हालांकि इन्हें अस्पताल लाया गया, जहां इलाज से पहले ही अंजलि की मौत हो गई। कुछ ही देर में युवक की भी मृत्यु हो गई। अब देखना होगा प्रशासन इस आंकड़ा को रोकने के लिए क्या उपाय कर पाएगी। पत्थलगांव से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज जम्बस। चौमासा खत्म होने को है, लेकिन इंद्रदेव की सक्रियता अभी भी बरकरार है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने इस बार काफी रिकॉर्ड तोड़े। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी और बारिश होने की संभावना है। भादो माह खत्म होने के साथ कुंवार का महीना शुरू हो गया है, लेकिन इंद्रदेव अभी रवानगी की तैयारी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी के चलते प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। आमतौर पर सितंबर माह के 14 दिन बीतने के बाद इतनी बारिश नहीं होती है। गजानन की विदाई के बाद अब प्रदेशवासी चाहते हैं कि इंद्रदेव भी विदाई लें, जिससे कि यहां का मौसम साफ हो सके। एक्सप्रेस रिपोर्टर अरविंद चौहान।
बीती रात दो दिन से हो रही बारिश के चलते प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा तालाब जीरन तालाब आज खतरे के निशान के ऊपर भरा हुआ है। प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। पिछले दो दिनों से जारी भारी बारिश के चलते नीमच जिले के नदी नाले उफान पर हैं। शुक्रवार को सुबह शुरू हुए भारी बारिश के दौर के बाद से क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार हो रही तेज मूसलाधार बारिश के बाद से कई घरों एवं दुकानों सहित रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, जिससे कई किसानों के घरों में रखी अनाज की बोरियां भीगने के बाद से भारी नुकसान हो गया। जीरन सहित आसपास के नदी एवं जीरन के निचले इलाकों सहित हरवार एवं आसपास के गांवों में बाढ़ का सितम देखा गया। बाद में जीरन नगर परिषद प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया और बाढ़ग्रस्त इलाकों में पानी निकासी के पर्याप्त इंतजाम किए। जब हालात सामान्य होंगे उसके बाद प्रशासन किस तरह से लोगों को राहत दे पाता है यह देखना लाजमी होगा। जीरन से राजेश लक्षकार की रिपोर्ट। अटल यूनिवर्सिटी का द्वितीय दीक्षांत समारोह निजी होटल में करने के कारण विवादों में आ गया है। अटल यूनिवर्सिटी का द्वितीय दीक्षांत समारोह विवादों में इसलिए आ गया क्योंकि इसको इस विश्वविद्यालय में करने की बजाय इसको निजी होटल में किया गया। दीक्षांत समारोह में कई सारी अनियमितता देखने को मिली है। विधायक को भी नहीं बुलाया गया प्रोटोकॉल के हिसाब से। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने भी इस मामले में जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गरिमा होनी चाहिए, राज्यपाल अगर आए थे किसी कार्यक्रम में तो उसकी गरिमा के हिसाब से कार्यक्रम होना था। हालांकि राज्यपाल ने भी इस मामले में कहा कि जगह के अभाव के कारण उसको उस होटल में किया गया है, लेकिन कहीं न कहीं विश्वविद्यालय के चूस से द्वितीय दीक्षांत समारोह में एक छवि में बड़ा धक्का लगा है। दीक्षांत समारोह की अपनी गरिमा होती है और इसके मुख्य अतिथि राज्यपाल थे। ऐसे में निजी होटल में इसको करने से कार्यक्रम की गरिमा को भी धक्का लगा है। इस मामले में राज्यपाल ने भी छपाई दी है और कुलपति ने भी। बिलासपुर से रिपोर्टर शैलेंद्र पाठक। जनपद पंचायत भिंड की ग्राम पंचायत उमरी को नगर पंचायत बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक ये ग्राम पंचायत बनी हुई है। भिंड जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर भिंड गोपालपुरा स्टेट हाईवे के किनारे बसा कस्बा उमरी आज तक नगर पंचायत बना हुआ है। इसकी आबादी नगर पंचायत बनाने लायक हो गई है, लेकिन आज तक इसको नगर पंचायत नहीं बनाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया था कि उमरी को जल्द ही नगर पंचायत बनाया जाएगा, लेकिन वह अपनी घोषणा भूल गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भिंड के महिला सम्मेलन में जब पधारे तो भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने उनसे मांग की कि उमरी को अब नगर पंचायत बनाया जाए, क्योंकि इसकी अब आबादी भी पूरी हो चुकी है। वहीं अकहा पंचायत के किटी और अकहा को जोड़ दिया जाए और बिलाव पंचायत के रूर को जोड़ दिया जाए तो ये नगर पंचायत आसानी से बनाई जा सकती है, जिससे पंचायत में विकास भी हो सकेगा। ग्राम पंचायत द्वारा पर्याप्त बजट मिलने के कारण पूरी पंचायत का विकास नहीं हो पा रहा है। हाल में ही मध्य प्रदेश के भिंड जिले में मुख्यमंत्री महिला सम्मेलन में आए थे, जहां भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने उमरी को नगर पंचायत बनाने की मांग रखी। अब स्थानीय लोगों को आस है कि मुख्यमंत्री जरूर उमरी को नगर पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे। राघवेंद्र सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर, उमरी भिंड। भाजपा नेता और पुलिस के बीच हुई मारपीट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इसी बीच अटेर के विधायक अरविंद भदौरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस पर टूट पड़े। जिले में कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है और पुलिस रेत के अवैध उत्खनन से वसूली में जुटी हुई है। पुलिस के द्वारा रेत की वसूली प्राइवेट लोगों के द्वारा कराई जा रही है। यह बात भाजपा के अटेर से विधायक अरविंद भदौरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और पुलिस अधीक्षक रोडोल्फ अल्वारेस की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए कहा कि नीचे से लेकर ऊपर तक रेत के पैसे का बंदरबांट किया जा रहा है। दो दिन पूर्व हुई पुलिस और भाजपा नेता के बीच मारपीट की घटना को भी पुलिस की बर्बरतापूर्ण रवैया बताया। उन्होंने यह तक कहा कि निर्दोष लोगों पर पुलिस झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें अपराधी बना रही है। उन्होंने कहा कि यह चंबल घाटी है, यहाँ अन्याय कोई सहन नहीं करता। अगर पुलिस ने झूठे लोगों को अपराधी बनाया तो लोग पान सिंह तोमर की तरह चंबल घाटी में अशांति फैलाने के लिए मजबूरन हथियार उठा लेंगे। विधायक अरविंद भदौरिया ने एसपी को रेत माफिया तक कह डाला और गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अब देखना यह होगा भाजपा कब तक आंदोलन करती है। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर गिरिराज भौरे। अभी रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।